की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है कि भी नए साल से जो है दोनों डोज वालों को जो है जो जिनको ना लगी होगी तो उनकी एंट्री कई स्थानों पर बैन है। तो हम देख रहे हैं कि अब दोबारा लोग जागरूक हो रहे हैं, आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि लोगों का रुझान जो इसकी वैक्सीनेशन की तरफ इस लेटर जारी होने के बाद बढ़ा है, और हम ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं तो हमारी जो वैक्सीनेशन है वो 2 गुना 3 गुना हो चुकी है। छुट्टी का दिन है, ना के बराबर वैक्सीनेशन होती थी, आज पूरी भीड़ लगी हुई है एंड लोग इसके प्रति कहते हैं कि भी जागरूक हुए हैं और एक अच्छी बात कितने लोग आ रहे हैं डेली सर? है। कल अगर हम देखे जाए तो हमारे यहाँ पर 600 करीब डोज लगी थी, जो कि उससे पहले 200 को क्रॉस नहीं करती थी, और अगर ऐसा जारी रहा तो वैसे भी हम कहते हैं कि ये अर्बन गोआना है, वो हमारा जो फर्स्ट डोज है वो 103% हो चुका है, 70% सेकेंड डोज हो चुकी थी, ये भी 100% के करीब मानिए, क्योंकि जो कोविशील्ड है उसकी ड्यू डेट अभी नहीं आई है, तो हम तो ये मानेंगे कि 100% है, लेकिन 100 से ज़्यादा, तो ये अगर ये हफ्ता ऐसे जारी रहा वी आर श्योर कि भी लोग पूरी तरह से इसके प्रति वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी होगी और लोगों के ऊपर जो खतरा है ओमिक्रॉन का वो ना कितना बढ़ जाए। तो लोग जागरूक हो रहे हैं या लोग सरकार का डर बिल्कुल है? देखिए, वो उनका अपना है, इनडायरेक्टली कहते हैं हमारा जैसा कल्चर है, थोड़ा बहुत प्रेशर लोग जरूर मानते हैं, लेकिन फिर लोगों को ये भी लगता है कि अकेला प्रेशर ना होगा, कि जब लोग प्रेशर की वजह से सोचते हैं तो उनको ये कहीं ठीक लगे होगा कि वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है और ये जरूरी है, तो वो अपने कहते हैं कि डर की ना वजह से अपने आप जागरूक होकर के आ रहे हैं।